हे व्लॉग, वेलकम टू आवर न्यू गाइस। स्वागत है आपका आपके भाई के इस नए व्लॉग में, प्यारे व्लॉग में, और जो कभी एडिट नहीं होता वो व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि आज हमारे पापा का बर्थडे है और हम बर्थडे के दिन जाने वाले ढाबा पे, तो ढाबा पे ढाबा बोलने जाने वाले। तो आज थोड़ी पार्टी वेटी है, तो जो भी रहेगा आपको दिख जाएगा, इतना कुछ सीन नहीं है। तो अभी अपन निकलते हैं नहाने को। नहाने के बाद हमें जाना है केक लेने दीदी के साथ। केक लेके आएंगे, फिर जाएंगे ढाबे पे, तो पूरा प्रवास तुमको दिखाएंगे। तो देखने के लिए स्टे ट्यून। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ इज्जत में। गाइस, फाइनली हम आंघोल करके रेडी हो गए। बहुत टाइम लगा आंघोल करने के लिए, मतलब आंघोल को जाने के लिए बहुत टाइम लगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब नॉर्मल लेवल वन से काम 25। आपको घर दिखाने का बाकी था, वो बाद में दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, कल दोपहर में शूट करूंगा उसका, कुछ नहीं, वो भी इसमें डाल दूंगा, इतना कुछ विषय नहीं है। तो अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, उसके बाद मुझे केक लाने जाने का, तो नीचे उतरता हूँ, थोड़ा टाइम पास करता हूँ, फिर केक लाने जाते हैं अपन दीदी के साथ। तो मिलते केक लाते टाइम। मैं लगता है एक अयरूली जा सकता है केक लाने के लिए, क्योंकि केक वहाँ पे ऑर्डर दिया या नहीं दिया पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं आइडिया। मैं सोया था, दिन भर सोया था, अभी देखते गाइस। अपना टॉवल क्या कर रहे हैं, अपना वो अयरूली में जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इन लोगों को कंटाला है सगड़े इधर ऐसे, मतलब क्या बोलने का, एक्टिवनेस नहीं है, टाइम नहीं है। एवढ्याला धावून आलो असतो मग, गोल्या बरोबर धावून आलो असतो मी। अभी सबकी तयारी चल रही है, सब लाले लाल हो गया, लाल है, लाल है, पूरा घर लाल है। तू का नाही लाल घातला असे दिसून देखो, मैं भी गाइस लाल है, टेंशन नहीं। मेरे को चप्पल लेने को जाने का था, लेकिन मैंने सुना कि बाजू वाली बिल्डिंग में चप्पल से कुछ भांडण हुई, पुलिस बिलिस आए थे, तो मैंने कैंसिल कर दिया प्लान। अरे खरच का तरी चपले वर ना भांडण घर, पोलिस आलेले एवढी भांडण चपलावरून। अरे कौन सा जी, मतलब क्या चल रहा है इधर, कल वो अच्छा हुआ छोड़ दिया गाइस मैंने, जाओ दिया था, कहा इधर के लोग नहीं रहे अच्छे। भाई इधर आने के वजह सुकून की नींद लगी है ना, बाबा बाबा माझ्या मम्मी आमच्याहून जास्त ह्याने झोप काढले, समजलं माहेरी आल्यावर मात चला कसं वाटतं। तिकडे मी खूप काम करतो ना, मी इकडे आल्यावर जरा तरी पण मी 5 वाजेपर्यंत एडिट करत होतो, सकाळी 7 वाजेपर्यंत एडिट करत होतो मी। मग ती व्हिडिओ आज टाकली, ती आज काल एडिट केली मोबाईल वर। काय ग कशाला काय झालं, आई 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 मार मार, काय झालं, काय पाहिजे घरी जायचे, घरी जायचे, डॅडा कुठे, डॅडा कुठे, बाहेर आहे मग, चल तू पण चल बाहेर, येते मग चल, कितना भी लेट करो फिर भी थोडा बहुत लेट करना जरुरी आहे, नाही तो कैसा दिन पूरा नाही जाता है ना। आता काहीतरी अजून राहिला असेल ते पण विचार, ए तू कुठे चाललास कार बांधून, हमारे गाडीवाल्याने धोका दिया, तो अभी स्टेरिंग व्हील पे हमको बैठने का है, उनका थोडा विषय हो गया खोल, तो अभी वो बाइक पे आएंगे और हमको जाना पडेगा। आई पाणी पडा गाडी, आई मी काळे दिख रहा है, जान दो उजड़ में जाते, गाड़ी अभी लगता है पूछना पड़ेगा, पहले तो गाड़ी वगैरह पूछते, उधर बोले अभी डायरेक्ट उधर ही आने वाला है। गाड़ी का अवस्था कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और ये देखो गाड़ी के सामने मच्छी लगा के बैठे, ठेला लगा के बैठे काकू, अभी देखते कैसा विषय कैसा नहीं। गाड़ी पहुँचते, गाड़ी पहुँचने को मैक्स टू मैक्स 5-1 मिनट लगे, क्योंकि तुम्हारा भाई प्रोफेशनल है पहुँचने में। रस्ते पे से मच्छी लेने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मैं इधर ऐसे पोस रहा था, पूछ रहा था गाड़ी, तो मेरे को बोलते अरे भाई को ऐसा धूल उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ऐसा ऐसी चिपकी देखो। तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं, केक भी लेने गए, केक लेने के बाद सीधा हम लोग ऑटो जाएंगे। केक शॉप पे तो आ गए है, तिथे कुठे दिसते चांगले, पण इकडे चॉकलेटच मिळतील, तिकडे पण तो बिस्कस वाला आहे का, तिकडे बघ मग। अभी केक शॉप का सिलेक्शन चल रहा है, फिर उसके बाद केक का सिलेक्शन होगा, अभी मतलब बेस बाय बेस कुठे ही चालेल मला का। हाय
लेके आएगा हमारा। फिर कपड़े क्या रहे, एवडा टाइम ना रहो, तेरे को क्या लगता है क्या विषय रहेगा? तो बोलते याला घेऊन जाऊ, याला कापू बाजरा बरा गोल्या जरा गाय, देखो फरक दिख रहा है, फक्त ये हिरवा नाही आहे। रुको, हो गया हो गया, सिलेक्ट हो गया गाइस, कसाटा कसाटा लेने वाले। 10 मिनट केक शॉप डिस्कस करने में लगाया, फिर 20 मिनट केक निवड़ने को लगाया, अभी देखते केक काटने को कितना टाइम लगेगा। केक के साथ और भी कुछ कुछ सामान मिलेगा लगता है। क्या ये टाइम बाटली है कि टिफिन है कि क्रेयॉन्स है, क्या विषय? बाटली है ये टाइम बाटली है, नहीं बाटली का विषय चल रहा है। मैं 4-5 भर रहा है, बाटली ही मिल रहा है, बाटली में कुछ भर के नहीं दे रहे, सिर्फ खाली बाटली दे रहे। शुद्ध कब चल रहा है बाटली का? स्टॉक खत्म हो गया लगता है बाटली का। थैंक यू, बिन चपटी बाटली मिली, अभी इसमें पानी भरेंगे और पियेंगे। बिन चपटी बाटली मिलेगा, बिन चपटी बाटली। और वो ताई लोग को धन्यवाद, उसको मैंने बोला बाटली चपट लेला है तो दूसरा दो, मग तिने सगळा शोधला, मग तिने नवीन घेतला। ठीक आहे चलो गाइस, अभी गाड़ी में बैठते और डायरेक्ट अभी डायरेक्ट ग्रीन लिफ्ट पे मिलते, ग्रीन लिफ्ट पे। तो गाड़ी में तो बैठ गए, काम 25, जाने को कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं। देख लो फ्रेंड्स, अभी चलो ये लो, अभी मैं इसको देता हूँ मोबाइल, बाकी कहीं देख लेगा। यस गाइस, अच्छा दिख रहा हूँ, ये देखो मंगलिया। और मैं बहुत दिनों के बाद ये गाड़ी चला रहा हूँ, वैसे उधर चलाते रहता हूँ। एनवी ताई का गाड़ी जो है वो उनको पता चला है कि मैं चला लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा कारोबार सौंपा है गाड़ी चलाने का। कुछ चीरी मेरे काम रहेगा तो मैं जाता हूँ, ऐसा विषय। लेकिन अभी SX4 बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ। तो ये गाड़ी हम अभी हम लोग के पास रहती है, ये गाड़ी SX4 हम लोग के पास रहती है। मैं सोच रहा हूँ ये गाड़ी उधर लेके जाऊँ, हम कॉल है चुप रहे, हम कॉल को लेके जाते हैं ये गाड़ी। ये देखो डोमिनोज है, डोमिनोज। हम लोग अभी आ गए कल्याण, मतलब ऐसा इधर से राइट मारोगे तो कल्याण। ए यड़ा चिप्पी बाइक वाला ना ना भिकर है ना, ये देखो ग्रीन लीफ, ये देखो दीदी। हेलो, एक डेढ़ तास वेटिंग खत्म। हम पहुंच गए हैं वो जहाँ पे आना था ग्रीन लीफ पे, लेकिन विषय ऐसे कि इधर बहुत गर्दी है और वेटिंग है जबर जबर। वो बोले कि 1.5 घंटा वेटिंग है, आपको दिखाता हूँ इधर गर्दी क्या है। अच्छा कहा, समझ में नहीं आ रहा है इतना क्यों ऐसा विषय, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन अभी 1.5 घंटे वेटिंग है तो अभी देखते हैं, रुको आपको दिखाता हूँ। सब लोग रुपए ले रहे तो है, ले ले ले, हॉट है पॉइंट। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, दीदी ने कॉल कर दिया रास्ता सामने। इधर का मैटर हुआ गाइस, इधर का ग्रीन लीफ कैंसिल, अभी अंबरनाथ का कौन सा ग्रीन लीफ है शायद से उधर जाने का है। हाँ अंबरनाथ के पास में, अब ये देखो मैप पे दिखाई देगा तुम्हें। चलो रिटर्न वापस जाना पड़ेगा इज्जत के साथ, निकलते छच्ची छच्ची रे छच्ची। हम लोग अभी जा रहे अंबरनाथ वाले ग्रीन लिफ्ट में, उधर सीटिंग अवेलेबल है ऐसा बताया गया है। ये देखो भाई 2 मिनट पे एड़ा, 1 मिनट पे एड़ा, एक केक है, ये नोबिता है, ये रास्ता है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो फाइनली मैं इधर तो आ गया, लेकिन विषय इधर ऐसा है कि इधर गाने भी नहीं, वन साइड चल रही है तो लगता है कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इधर ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाएंगे। देखते जो भी रहेगा आपको सिनेमा।
अरे खाते की मजाक करता है दिया उतना दिया। गाइस अंदर शूटिंग की बहुत दिक्कत है रे, गाने चल रहे, वन साइड कॉपीराइट का विषय है, तो अभी बाहर शूट करने के लिए आया। वैसे बाकी का जो है वो सिनेमैटिक में तो दिखाएंगे, सिनेमैटिक नहीं बोल सकते लेकिन स्लोमो बीमो जो भी होता है, पहला ना डिमका ना चूड़ा चकली देखेंगे। और फिर अभी मेन कोर्स आ गया तो आपको मेन कोर्स का सिनेमैटिक दिखाता है ऐसा बड़ा क्या। देखो सब आवरा ओवर चल रही है, हमारा खाके हो गया और केक थोड़ा सा बाकी है, अभी जाते जाते वो भी रेम टवाएंगे देखते, नहीं तो फिर। अरे मैंने अभी वो उसका क्रीम खाया तो काम 25 हो गया है। देखो रिएक्शन, मेरे रिएक्शन उधर दिखे रहेंगे आपको, सेम टू सेम वैसा। अरे नवीन जोड़ पाए, नवीन जोड़ पाए, 4-5 महीने से 3 महीने झाले ना, 5 हुए। और उधर भी देखो, उधर भी काम 25 चल रहा है, उधर पीने पीने का विषय रहेगा तो उधर का है। हाँ एकदम वो पीछे बर्थडे चल रहा है मेरा, नहीं है 8 तारीख को आओ। और इधर जरा वो आता है, जरा तुमको दिखाता है, जरा बंद हो गया लगता है, देखो तुमको कोपरे से जरा दिखाता है। हमारे इधर जरा नहीं है लेकिन समोर कुर्चे टेबल पे जरा है, हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं खाया जरा वाले ने। और मैं तेरा नाम हो गया से खोल के, तभी बिलिंग चल रही है, देखते बिल कितना आया। मेरे को तो लगता है इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन नॉर्मल लेवल का बिल आया रहेगा, लेकिन बिल हम सिर्फ देखेंगे, भरने का काम बाकी लोग करेंगे, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना बराबर, तो हम सिर्फ खाने आए। पीछे वो स्कूटर देखो, स्कूटर वो स्कूटर देखा कि अपन बैठते स्कूटर पे जरा अच्छे अच्छे एक दो फोटो निकालते हैं, काम पच्ची ले जाएगा, फिर आपको गाड़ी में मिलते हैं, फिर घर पे मिलते हैं, काम एंड, फिर ब्लॉग खत्म, ठीक है बाय बाय। तो भाई आज अच्छा राजा की हालत हो गई है, मतलब जिस काम के लिए आए थे खाना पीना हो गया, बाय बाय। अभी हमारे दीदी और वो जा रहे हैं बर्थडे, बाय बाय। और हमारे नए जीजू, नए जीजू रोज बर्थडे करूया मग आईला भाड़े का चश्मा गया गाइस जान दो। अभी भाई चश्मा निकलने के बाद गोरा हो गया मैं, अभी इधर काम 25 हो गया, अभी निकलने का है। अरे तो टोकन कोणाला द्यायचा आहे, तो अभी गाड़ी निकलते है और डायरेक्ट कलवा में मिलते। बाकी पेट बीट एकदम वन साइड भर गया, अभी लगता है ऐसा मेरा भी ढेबरा बाहर आने वाला है, सेम टू सेम ऐसा देखो डेबरा नहीं तो क्या है ये, इसको बोलते स्लिम एंड ड्रीम। ये देखो तुम्हारा दिखाओ स्लिम एंड ड्रीम, ये देखो आई अभी छाती बाहर आई, वो तो आकाश बाहर आ गया है, उसका पेट नहीं वो हर जगह से बाहर आ गया है। भाई देखो प्लान में फेरबदल हुआ है, हमने ऐसे सोचा कि टायर पंचर कर लेते, तो अभी बन रहे टायर, अभी देखते आगे का क्या विषय है। छोटा सा पंक्चर है कि बड़ा है वो अभी निकलने के बाद ही पता चलेगा। अभी भाई काम कर रहे हैं, कम से कम 10-15-20 मिनट तो लगेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। मेरे को लगा ही था कर्मी निकालो तो वह माला वाटली लग, गाड़ी ऐसी थोड़ी ये होती होती, ये गाड़ी चलती कम है और पंक्चर ज़्यादा देती है। मतलब हमको कैसा, लोग पेट्रोल भरते डीजल भरते सीएनजी भरते, हम पंक्चर निकालते गाड़ी निकालने के बाद में, ऐसा विषय। हाँ मतलब गाड़ी चालू करने के बाद लोग देखते कि पेट्रोल है कि नहीं, तो हम पहले चेक करते भाई पंक्चर हुआ है कि नहीं, फिर उसके बाद हम आगे का प्रवास शुरू करते। अभी देखते हैं मामा का क्या विषय, मामा भी नहीं है, मामा की पोर है, मामा झोपायला गेला वाटत वन साइड। उधर मम्मी जी और मम्मी जी की मम्मी जी दोनों अभी कंटाल गए, उनके कंपनी के लिए छोटा चेतन बैठा है उधर, और छोटा चेतन शर्मा रहा है बात करूँ कि नहीं मम्मी जी से या फिर मम्मी जी की मम्मी जी से, अभी उसकी थोड़ी विल पावर बढ़ेगी तो शायद से बात कर सकते। Oiga.
वॉल भी गया, अभी वॉल भी लाने का विषय चल रहा है। अभी टायर देखो कैसे निकल रहा है, आपको हार टूट आप टूट मुझे ट्यूटोरियल दे रहे हैं, मतलब कैसा अगर तुम्हारा पंक्चर हो जाएगा मतलब कुछ भी कर सकते हो। ये वाला नया वॉल लग गया, ये वाला गाइस पंचर निकाल के हो गया, अभी घर पे डायरेक्ट क्या कर रहे। तो गाइस व्लॉग एंड करने वाला था लेकिन ये नल्ला मेरा मोबाइल लेके चला गया था, तो अभी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था, जो भी देखा रहेगा अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने को भूलने का नहीं। ऐसे ही नए नए व्लॉग आते रहेंगे और दो आने वाले, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके आएंगे, आएगा आएगा बहुत कुछ आएगा और रील व्हील भी बहुत आने वाले, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। तो अभी व्लॉग बंद करते हैं, घर पे जाके डायरेक्ट गुड़ूप हो जाते, पेट भर के खाया वन साइड, इसने भी पेट भर के खाया, अभी स्प्राइट भी पिया के पेट एक ही वखार है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो गाइस बाय बाय, पीस आउट।